हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना दोस्त अपने यूट्यूब चैनल टेक हम टिप आपका स्वागत करता हूं। गाइस, जैसा कि आपको मैंने योनो के बारे में बताया था कि योनो से आप कई तरह की चीज़ें कर सकते हैं, तो आप योनो से अपना बैंक का स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं और वो भी बिना चार्जेस के। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि आप योनो से अपना अकाउंट स्टेटमेंट कैसे निकाल सकते हैं। अगर बैंक जाएंगे तो उसका चार्ज लगेगा, तो आज मैं आपको फ्री में दिखाऊंगा। वो आप प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं अपने फ़ोन मेमोरी में सेव करके पीडीएफ के रूप में, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको अपना पूरा स्टेटमेंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट पूरा खुल चुका है, एसबीआई किनारे लिखा हुआ है। आप यहाँ से अपना पूरा स्टेटमेंट सेव कर सकते हैं और आराम से प्रिंटआउट दे सकते हैं। इसका एक भी रुपया नहीं लगेगा। आप अपने बस योनो एसबीआई में आपको रजिस्टर करना होगा। सबसे पहले जब आप रजिस्टर करेंगे तो सबसे पहले आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यार बहुत ही बढ़िया है ये, आप इसे स्टेटमेंट निकालिए, क्योंकि अगर आप 14 से 15 पेज निकलवाएंगे स्टेटमेंट बैंक में तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अकाउंट्स पर क्लिक करना पड़ेगा और नॉर्मल तरीके से आप जब अकाउंट्स पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा डिटेल देखने को मिलेगा। आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा यहाँ पे, इसलिए मैंने इसे हाइड कर दिया है। अकाउंट नंबर और पैसा वहाँ पे आपका शो करेगा। जब आप पैसे पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा ट्रांजेक्शन्स नीचे दिखने लगेगा। यहाँ पे पूरा जितना भी ट्रांजेक्शन इसमें होगा यार, पूरा आपको पूरा का पूरा यहाँ पे दिखने लगेगा। आप इसे सेव करके अपने किसी भी साइबर से या फिर खुद आप अपने घर में प्रिंटआउट इसे दे सकते हैं, या फिर आप अपने पीडीएफ में ले सकते हैं, इसको अपने जीमेल पे भी भेज सकते हैं। मतलब कि बहुत ही बढ़िया है। आप चार्जेस से बच सकते हैं, अपना बैंक का चार्जेस आप बचा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको जितना भी दिख रहा होगा सब मेरा पैसा यहाँ से, मतलब पैसा है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सब कुछ, जितना ट्रांजेक्शन हुआ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया था पासबुक वाले में, कि जो ग्रीन से है वो आपका डिपॉजिट है, जो रेड है वो विड्रॉल है। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें, मान लीजिए कि अगर आपको किसी डेट का सर्च करना है तो आप किसी डेट का भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने डेट का सर्च कर दिया है और वो अभी आ जाएगा। आपको लग रहा होगा कि मैंने ये क्यों ऐसा हाइड कर दिया है, कैसा ऐसा ब्लर दिख रहा है। इसलिए दिख रहा है यार, क्योंकि जो है गोपनीयता बनाए रखनी बहुत ही ज़रूरी है। तो अकाउंट, और वो भी सबसे बड़ी बात है कि अकाउंट का डिटेल है, तो मैं आपको बस सिंपल तरीके से समझा देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर ट्रांजेक्शन और यहाँ पर पूरा आपको दिख सकता है। यहाँ पर दो ऑप्शन आपको किनारे दिख रहे होंगे, एक ईमेल एड्रेस का और एक फाइल में सेव करने का। तो आप उस पर किसी एक पर क्लिक करेंगे तो आपके फाइल में सेव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कॉर्नर में दिख रहा होगा जीमेल का, मैंने जीमेल पर भी क्लिक कर दिया। मेरा ईमेल आईडी अभी इसमें अकाउंट से लिंक नहीं है, इसलिए ये ईमेल आईडी नॉट रजिस्टर्ड बता रहा है। तो अगर आपको ईमेल पे भेजना है तो आप अपने ईमेल पे बैंक से जाके लिंक करवा लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा यार, और स्टेटमेंट इससे ही निकालिए, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि बैंक के चार्जेस बचेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। धन्यवाद।